अरमान क्या आप क्या कहना चाहेंगे? आप निर्दोष है क्या? आप निर्दोष है अरमान? ज्या गुन्ह्यामध्ये अटक केलेली होती त्या गुन्ह्यामधील सर्व कलम ही जामीन पत्र असल्यामुळे व त्यांच्या वकिलांनी आज सकाळी जामिनासाठी अर्ज केल्यामुळे जामिनाची प्रक्रिया पूर्ण करून त्याला जामीन दिलेला आहे। सर जो बदसुलूकी का आरोप लगा है निशान भी दिखा रहे वहाँ निशान भी नहीं है। सर सर अरमान सर क्या आपको लगता है कि बिग बॉस के घर के मामले को बिग बॉस के घर से बाहर नहीं लाने चाहिए था? घर में जो हुआ उसे पुलिस स्टेशन पर ही दोनों ही उनके एम्प्लॉई है, उनको खुद अपने ऑफिस में बुला के बात करनी चाहिए। इसका क्या मतलब है सर? आपसे सर सर एक आखिरी सवाल सर करना चाहते थे सो किया स्टंट था इसका हो गया था। आपने नोटियों को अपना फंडर होना चाहती थी बोले इतने बड़े आदमी लगा हुआ करके तो बिग बॉस के घर में उनका जो रवैया है काफी शांत रहा है, काफी शांत स्वभाव के देखे जाते हैं। ऐसे में इस तरह का आरोप लगाना मारपीट कर दी गई ये जो उन्होंने कहा, क्या आप इस पर कहना चाहेंगे? क्या सलाह? मारपीट की नहीं है ना, मारपीट की होती दिखाते नहीं जी, लेकिन दिखाया तो कहाँ? जो दिखाया उन्होंने कहीं मारपीट का निशान भी नजर आया क्या? मारपीट में तो वैसे पब्लिसिटी की होती तो बिग बॉस वाले उसी वक्त बाहर निकाल देते। उनका क्या कहना है इस पूरे वाकई को? वो कितने सदमे में है? यही दो मिनट की हुई है, कोई खास मुलाकात ही नहीं हुई है। अभी होंगे आराम से बैठेंगे तो बात करें, अभी तो टेंशन नहीं है। खबर आप चाहेंगे कि वापस जाए? खबर ये है सर आप फिल्में मिलने शुरू हो गई है तो क्या मानते हैं कि यही सब करने के लिए उन्होंने और किए ही क्या? सर ये रात की समस्या है चलो चलो जान दो यार चलो चलो अरमान 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 आप तो रिएक्शन देना पड़ेगा अरमान अरमान एक अरमान नहीं 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 नहीं